Hello dear student of class 12, welcome back to your physics concept class, and this is your 12th lecture related to your third unit magnetism, in which we are going to discuss our next topic, that is the current loop as a magnetic dipole. आज की क्लास में हम ये वेरीफाई करने वाले हैं कि करंट लूप भी एक मैग्नेटिक डाइपोल होती है, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है व्हाट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है. तो सिंपल वे में समझ लीजिए आप मैग्नेटिक डाइपोल क्या है. वी कैन से ऑल द डिवाइसेस और ऑल द सिस्टम्स विच कैन एक्सपीरियंस अ टॉर्क व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज द मैग्नेटिक डाइपोल. मतलब सारी के सारे ऐसे सिस्टम, ऐसी डिवाइस जिनको जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उनके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई हो, वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करें जिसकी वजह से वो रोटेट करें या रोटेट करने की कोशिश करें, वो सारी की सारी मैग्नेटिक डाइपोल होगी. लाइक अ मैग्नेटिक नीडल, आपको पता है जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क उस पर अप्लाई होता है, वो रोटेट होकर नॉर्थ आउट डायरेक्शन को इंडिकेट करती है. तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है. सेम एज ए बार मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हमें पता है कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ. नॉर्थ लाइक अ पॉजिटिव पोल बिहेव करता है और साउथ लाइक अ नेगेटिव पोल बिहेव करता है. तो मैग्नेटिक फील्ड में इन दोनों पोल्स पे अपोजिट डायरेक्शन में टू इक्वल फोर्सेस लगते हैं जिनकी वजह से एक कपल फॉर्म हो जाता है और मोमेंट ऑफ कपल जो कि टॉर्क का वर्क करता है. तो ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है. सेम एज हम ये भी जानना चाह रहे हैं, आज की क्लास में वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि क्या करंट कैरिंग सर्कुलर लूप भी मैग्नेटिक डाइपोल होती है. होती है ये हमें पता है, लेकिन हम वेरीफाई करेंगे क्यों होती है. तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल का जो मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं. ये तो हमें पता चल गया मैग्नेटिक डाइपोल क्या है. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, तो डाइपोल का सिंपल मीन्स है इसमें दो पोल होंगे वो डाइपोल हो. अब इलेक्ट्रिकल पोल होंगे मतलब चार्जेज होंगे तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, और मैग्नेटिक पोल्स होंगे लाइक नॉर्थ एंड पोल तो वो मैग्नेटिक डाइपोल होगा. और डाइपोल है तो इसका डाइपोल मोमेंट भी होगा. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट था, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जिसको हम दो सिचुएशन में लिखते हैं. फॉर अ मैग्नेट, अगर हम मैग्नेट की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बार मैग्नेट हैविंग टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ एंड इट्स लेंथ इज 2L, और इसके जो पोल्स हैं पोल की स्ट्रेंथ को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है और साउथ की पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया नॉर्थ पोल एज ए पॉजिटिव होगा और साउथ पोल एज ए निगेटिव होगा, तो पोल स्ट्रेंथ मैग्नेट में दोनों की इक्वल होगी, बट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज निगेटिव. तो इसका फॉर मैग्नेट हम मैग्नेटिक मूवमेंट लिखेंगे. तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस ऑफ डाइपोल लाइक पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो यहां भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, किसी एक पोल की स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय द मैग्नेटिक लेंथ, मतलब इस डाइपोल की जो लेंथ है जिसमें ये दो पोल जितनी डिस्टेंस पे सेपरेट है, और इसका यूनिट होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर. दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट, ये एक कंडीशन है. और दूसरी कंडीशन की बात करें फॉर अ कॉइल कैरिंग अ करंट, अभी अभी हमने बोला फॉर अ कॉइल कैरिंग अ करंट, ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है, इसको वेरीफाई भी करना. तो इसका अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एन आई ए एम्पियर मीटर स्क्वायर. एन आई एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल के अंदर जितने भी टर्न हैं कॉपर या इंसुलेटेड वायर के जितने भी बाउंडेड टर्न है, आई इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है और ए जो उसका एरिया. तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज गिवन बाई द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ एंड द मैग्नेटिक लेंथ, and the magnetic dipole moment of a current carrying coil is given by the product of its current and area with number of terms in that coil. तो ये दो formula हैं. तो ये तो क्या magnetic dipole. अब magnetic dipole की terminology understand कर सकते हैं. जैसे electric field में electric dipole के लिए हमने अलग अलग formula derive किए थे,
तो यहां मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम फॉर्मूले होंगे, कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, मैं फिर से बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के लिए हमने जितने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, लाइक वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, ये सारे के सारे फॉर्मूले मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी हो सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड पे इनके डेरिवेशंस आपके सिलेबस में नहीं है इन मैग्नेटिज्म। तो फॉर्मूले में आपको क्या करना है, टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड कर लीजिए। इलेक्ट्रिक जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल के हमें फॉर्मूले लिखने हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर करके नोटिस कर सकते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है P, उसको हम रिप्लेस करके M कर सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है वहाँ उसको हम रिप्लेस करके मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B प्लेस कर सकते हैं। तो देखते हैं, कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम नोटिस करें, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल की अगर हम बात करें, थर्ड की अगर हम बात करें, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, तो इसका फॉर्मूला होगा एम बी साइन थीटा। आपको याद आ गया होगा जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फाइंड करते थे तो ये होता पी साइन थीटा। तो यहाँ पी क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। तो सेम यार, द टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज रिप्लेस्ड बाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्लेस्ड बाई द मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, तो जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, वो साउथ टू नॉर्थ होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे इसमें निगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल होता है, और यहाँ निगेटिव पोल साउथ है और पॉजिटिव एवे नॉर्थ है। तो ये टॉर्क हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो वहां होता था, आपको याद आया होगा, यू माइनस पी ई कॉस थीटा। यहां पर अगर हम इसको कंपेयर करें तो माइनस एम बी कॉस थीटा, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट करते थे, वो फॉर्मूला था ई एक्सेस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/x³। के x और r क्यूब जो भी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो यहाँ फॉर्मूला होना चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह मैग्नेटिक कांस्टेंट आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π 2m/x³, और एट द इक्वेटोरियल लाइन इट शुड बी म्यू नॉट अपॉन 4π m/x³। तो दीज आर द फॉर्मूला रिलेटेड टू द मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, ये फॉर्मूले अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर वॉच करके नोट डाउन कर सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड फॉर्मूले हैं तो हमने देख लिया है। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं जिसको हमें वेरीफाई करना है, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। इसका मतलब ये हुआ है कि इनमें से किसी फॉर्मूले से हम कंपेयर करेंगे, उसको कैसे करेंगे अभी देखते हैं हमारे। ओके, अब हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैंने आपको स्टार्ट में मैग्नेटिक डाइपोल को इंट्रोड्यूस कराया। ओके, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस ए। इसको ध्यान से देखिए, ये करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल है जिसकी रेडियस को हमने ए अज्यूम किया है, सेंटर ओ है, और इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। ओके, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, वी है द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ ए करंट लूप दैट इज करंट कैरिंग क्वाइल
is given by mu naught n I a square upon 2 a square plus x square whole power 3 by 2. ये फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था कहाँ, फिर से एक बार देख लीजिए, ये करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसकी रेडियस ए है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था अलोंग इट्स एक्सिस, जिसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था ये अपने सेवेंथ और एट्थ लेक्चर में, सिक्स सेवेंथ लेक्चर में, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2. ओके, ये हमने ड्राइव किया था. अब हमें इस फॉर्मूले से मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला अगर हम फाइंड आउट कर पाते हैं तो ये मैग्नेटिक डाइपोल होती है ये वेरीफाई हो जाएगा, और नहीं कर पाते हैं तो वेरीफाई नहीं होगा. तो चलिए करते देखते हैं कैसे करना है इसको. सो बी इक्वल्स टू, इसको हम देखिए थोड़ा सा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू, एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2, और इसको हम क्या करते हैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लें, 2 पाई से डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 पाई, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पे आइए, अपॉन में 4 पाई चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक कॉन्स्टेंट लाना है. तो देखते हैं कैसे, इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू 2 पाई, ये नोटिस कर लिया हमने. अब यहाँ देखिए इसको कैसे मैनेज करेंगे, इंटू यहाँ पर हम नोटिस 2 मैंने अलग कर लिया है, 2 एन आई और पाई ए स्क्वायर, इसको मैंने अलग कर लिया है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2. ठीक है, अब यहाँ आप देखिए 2 एन, ये देखिए 2 एन आई और पाई और ए स्क्वायर को मैंने एक साथ ले लिया. अब पाई ए स्क्वायर एक्चुअली क्या होगा, दिस शुड बी द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर इज द एरिया स्क्वायर, सो वी कैन राइट हियर दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एन आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2, ये आएगा. और अभी अभी मैंने आपको बताया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है करंट कैरिंग कॉइल का, एन आई ए नंबर ऑफ टर्म्स इन टू द करंट इन टू द एरिया, सो बिकॉज एम इज इक्वल्स टू एन आई ए, सो वी कैन पुट हियर बी इक्वल्स टू, और ये बी एक्चुअली है कहाँ, ऑन एक्सेस है. ठीक है, तो ये एक्सेस पे फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉइल के एक्सेस पे ही हमने फाइंड किया था. सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एन आई ए रिप्लेस बाई एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 3, ये तो अगर फॉर्म. अब अगर हम सपोज करें कि द कॉइल इज वेरी स्मॉल, कॉइल बहुत छोटी है, छोटी है का मीन्स क्या हुआ, जितनी कॉइल छोटी होगी उतनी उसकी रेडियस छोटी होती चली जाएगी. तो हम यहाँ पर अगर अज्यूम करें इफ एक्स स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बहुत ज़्यादा बड़ी है, मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द कॉइल लॉन्ग डिस्टेंस में, तो ये एक्स स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड. इसको नेगलेक्टेबल सपोज कर लेते हैं, और जैसे हम ए स्क्वायर को लेफ्ट करेंगे वी हैव द एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2, दिस 2 एंड 2 इज कैंसिल, दिस इज एक्स क्यूब, सो वी कैन राइट हियर वी एक्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन एक्स क्यूब. ये फॉर्मूला आ गया हमारे करंट कैरिंग कॉइल की एक्सेस पे, और यही फॉर्मूला अभी अभी मैंने लिखा था, अगर आपने नोट डाउन किया हो, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ ए मैग्नेटिक बार दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल इफ गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन एक्स क्यूब, और अगर ये बार मैग्नेट होती है तो बार मैग्नेट की सिचुएशन में यही फॉर्मूला, लाइक दिस इज बार मैग्नेट एंड इट्स लेंथ इज 2L, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, और ये इसका सेंटर होता है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी ले, तो यही फॉर्मूला इसके एक्सेस पे होता है. अभी अभी मैंने लिखा भी था, फिर से लिख देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन एक्स क्यूब, ये बार मैग्नेट के लिए है. तो बार मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये हम पहले ही बता चुके, और जैसे ही हम एन आई ए को रिप्लेस करके इस जगह पे एम पुट करते हैं अगर, तो ये फॉर्मूला भी वैसा ही आ जाता है करंट कैरिंग कॉइल का, जैसा कि
बार मैग्नेट की एक्सेस पे होता है. तो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन द करंट कैरिंग कॉयल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल. और मैथमेटिकल हम इसको कैसे वेरीफाई कर रहे हैं, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इज सेम एज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉयल. सो इट शुड बी अ मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल होती है. और जनरली मैं आपको बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, ईच एंड एवरी एटम इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, बिकॉज एन इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम. एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या बिहेव कर रहा है, चार्ज इन मोशन. और जब चार्ज फ्लो करता है, मूव करता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट. सो अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करेंट. तो इट मीन्स इफ द ऑर्बिट इज सर्कुलर, देन द मूविंग इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट बिहेव लाइक अ करंट कैरिंग कॉयल. एंड करंट कैरिंग कॉयल इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है. सो एवरी एटम हैज अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, दैट्स व्हाई एवरी एटम इज अ मैग्नेटिक डाइपोल. अब इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज मैं सिर्फ आपको इतना इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अराउंड, ओके, तो वो एक करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करता है. तो इसका मतलब हर एटम में भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है और एवरी एटम इज अ मैग्नेटिक डाइपोल. ओके, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस क्लास प्रॉपरली. यू कैन नोट डाउन दिस मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बाई वॉशिंग द स्क्रीन एंड बाई प्लेइंग द वीडियो अगेन एंड अगेन. So that's all for this class. Now we'll meet in our next class. Till then, goodbye.